मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन आवर टुडेज वीडियो आई वांट टू गिव यू द फाइनल टच ऑफ द फर्स्ट लेसन पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। नाउ टू अंडरस्टैंडिंग द होल टेक्स्ट आई रॉट फोर क्वेश्चंस हियर। These four questions completely describe the whole story, the whole story. Now, I will explain each question here on the board. If you have read or studied the lesson, you may give the answer either writing or wrong, but you have to find the answer of these questions. This is also your homework, and you have to write these questions in your notebook and find the answers by your books or by other measures. I am going to explain the questions here. Now, the very first question, the three phases of author's relationship. Author का यानी कृष्ण सिंह का अपनी दादी माँ के साथ एक बहुत ही deep relation था। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी दादी माँ होंगी, उन्हें अपनी दादी माँ से बहुत closeness होगी, बहुत like करते होंगे दादी माँ को, दादी माँ भी उन्हें चाहती होंगी। हर किसी की दादी माँ अपने बच्चों को, अपने ग्रैंडसन और ग्रैंडडॉटर्स को लाइक करते हैं। तो उसी क्रम में देखते हैं द थ्री फेसेस, तीन ऐसी बातें, ऐसे पहलू लिखिए ऑथर्स रिलेशनशिप, लेखक के रिश्ते विद हिज ग्रैंडडॉटर, उसकी दादी माँ के साथ जो लेखक के रिश्ते थे उनके बारे में लिखिए। कब कब का रिश्ता? बिफोर ही लेफ्ट हिज कंट्री टू स्टडी अब्रॉड, जब उसने अपने गांव, अपने देश को छोड़ा था, बाहर पढ़ाई करने के लिए जा रहा था, उससे पहले उसके दादी माँ और उसके बीच में जो रिलेशनशिप था उसके तीन फेजेस को लिखना है आप। देखिए, मैं लेसन एक्सप्लेन करूंगा, आपसे कहूंगा आप लेसन को सेल्फ रीड करें घर पर, उसका एक एक पॉइंट देखें, पूरी स्टोरी पढ़ें, हिंदी भी पढ़ें, इंग्लिश भी पढ़ें और समझें, और फिर कोशिश करें अपने आंसर्स लिखने को। दीज ऑल आर रॉन्ग आंसर्स। अगर आपने लेसन रियल में पढ़ा होगा तो यू कैन राइट द आंसर वेरी इजीली, यूज योर माइंड, यूज योर ब्रेन, यूज योर फ्लेक्सिबल एंड Right. On Sunday, I will check your questions. Now, the second question is three reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the cities. जब वो शहर के स्कूल में पढ़ने जा रहा था, शहर के स्कूल में पढ़ने जाने लगा था, तब why the author's grandmother was disturbed, author की दादी माँ परेशान क्यों थी, उसके उसके डिस्टर्बेंस के, उसके उसके डिस्टर्ब होने के थ्री रीजंस आपको लिखने हैं। ऐसे कौन से तीन रीजन थे कि जब राइटर जो है, लेखक जो है, वो शहर के स्कूल में पढ़ने जाने लगा तो उसकी दादी माँ डिस्टर्ब हो, परेशान रहने लगी। ये आपको तीन रीजन लिखने। थर्ड क्वेश्चन इज थ्री डेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर स्पेंड हर डेज आफ्टर ही ग्रो। ऐसा नहीं लिखे बच्चा ही रहा, बड़ा हो गया था, दादी माँ उसकी अभी भी अलाइव थी, तो जब वो बड़ा हो जाता है तो उस पोजीशन में,
उसका रिश्ता ग्रैंड मदर के साथ जो उसने अपने दिन बिताए जो अपने दिन व्यतीत किए थे जब वह बड़ा हो गया था, वो दिन कैसे व्यतीत किए थे, हाउ ही स्पेंड दोज डेज व्हेन द ऑथर ग्रू अप, राइट थ्री वेज, तीन तरीके लिखे जिस तरह से वो अपने दिन व्यतीत ऑन कैलेंडर। नाउ अबाउट द फोर्थ लेसन, द ऑड वेज, वो विचित्र तरीका इन विच जिसमें कि द ऑथर्स ग्रैंडमदर लेखक की दादी माँ बिहेव, उन्होंने व्यवहार किया था जस्ट बिफोर सी डाइड। ऐसा होता है आपने देखा कोई पूरे जीवन अपनी एक हैबिट के साथ चलता रहता है, होता क्या है जब उसके लास्ट डेज आते हैं अंतिम दिनों में उसका बिहेवियर कुछ चेंज हो जाता है, अपनी डेली जो उसका रूटीन प्रोग्राम चलता है और जो उसकी डेली की हैबिट्स होती हैं उनसे अलग हटके उसका बिहेवियर हो जाता है। दैट इज वाई वी कॉल्ड, कोई व्यक्ति है किसी तरह बिहेव कर रहा है ठीक है, अब होता क्या है अचानक से उसका बिहेव चेंज हो जाए तो हम ये कहते हैं इसका बिहेवियर कैसा ऑड हो गया है। ऐसा ही बिहेवियर उसकी दादी माँ का हो गया था, कब, अपने मरने से पहले। द ऑड वेज, वो तरीका बताइए इन वेज जिसमें कि द ऑथर्स ग्रैंड मदर लेकर की दादी माँ भी तुम्हारे व्यवहार करने लगी थी जस्ट बिफोर सी डाइड, उनके ठीक मरने से पहले। तो दीज आर द फोर आंसर्स, फोर क्वेश्चंस आई एक्सप्लेन्ड ऑल देम, नाउ यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड नोट देम ऑन योर पेपर, ओके। इन आवर नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द सेकंड लेसन। What is the name of the second lesson? We are not afraid to die. We all are together. Till then.